नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पन्ना में आज पुलिस महानिरीक्षक सागर अनुराग के द्वारा पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में पन्ना पुलिस के विगत वर्षों की अपराध समीक्षा की और हॉल के दिनों में हुए अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के उपरांत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए। पुलिस महानिरीक्षक सागर अनुराग के ज्वाइनिंग के पश्चात पन्ना जिले में प्रथम भ्रमण के दौरान पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित विजिटर रूम का अनावरण किया गया। इस विजिटर रूम के माध्यम से फरियादियों और जनसुनवाई में आने वाले शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। वहीं दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने और सड़क सुरक्षा की भावना का विकास करने के दृष्टिकोण से यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि पन्ना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर यातायात नियमों के प्रति लागू में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज मैं पन्ना आया, एक महीने मेरा ज्वाइनिंग किया हो गया आईजी सागर। मैं पन्ना में यहाँ पे अपराध की समीक्षा की और कुछ अपनी प्रायोरिटीज जो प्राथमिकता थी वो सभी थाना प्रभारियों को, सभी मौजूद थे, उनको बताया है। मुख्य रूप से जो भी लंबित गंभीर अपराध हैं उसकी, जो काफ़ी दिनों से लंबित हैं, तो उसमें एक स्पेशल टीम बना के उसका विवेचना किया जाए, निराकरण किया जाए। महिलाओं और वीकर सेक्शंस के विरुद्ध जो भी अपराध होते हैं उसमें संवेदनशीलता के साथ उसकी विवेचना हो और इम्पार्शियल हो। सभी लोगों को बताया है कि जो भी शिकायत अगर आती है ऐसे लोगों की, तो उसमें काफ़ी सेंसिटिव होके उनकी शिकायतों को सुने और निराकरण करें। चिन्हित अपराधों के बारे में बताया है कि वो हमारे लिए प्रायोरिटी भी होता है कि अधिक से अधिक चिन्हित अपराधों में विवेचना जल्दी से जल्दी हो और उसका ट्रायल भी जल्द से जल्द हो और सज़ा भी मिले। ये हमारी प्राथमिकताएं थी और भी काफ़ी सारे निर्देश उनको दिए गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, वारंट से रिलेटेड हैं, उनको पालन करने के लिए सेंसिटाइज किया गया है। कुछ कुछ नियम जो अभी लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं ताकि उसको पालन करें। विवेचना इम्पार्शियल हो, अपनी कार्रवाई पुलिस की इम्पार्शियल कार्रवाई हो, इस पर सभी लोगों को दिशा निर्देश दिए। ट्रैफिक पुलिस में कर्मचारियों की कमी है, इसके लिए अगर वैसे देखा जाए तो हर जगह, हर ज़िले में बल की कमी है और बल की पूर्ति धीरे धीरे की जा रही है। एक ही बार ऐसे पूर्ति तो हो नहीं सकती है, फिर भी अगर बहुत अधिक कमी है तो उसकी हम समीक्षा करेंगे। अगर उसमें बल दिया जाना होगा तो हम निश्चित रूप से उपलब्ध करें। सर, पन्ना पुलिस द्वारा लगातार क्राइम के मामलों में कमी करी गई, ये भी पुराने रिकवर केस भी पुलिस के लिए इनाम। हाँ नहीं, ये इनाम के बारे में भी मैंने बोला है, एसपी धर्मराज जी को मैंने बताया है कि जो भी विवेचना होती है, जो भी अच्छे काम होते हैं उसमें जो भी टीम काम करती है उसको रिवार्ड मिलना चाहिए ताकि मोटिवेशन हो। ये भी मैंने दिशा निर्देश दिया है और बहुत सारे ऐसे भी अवार्ड हैं जो